नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे शहर सहित जिले का भी हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। दस्तक के अंतर्गत हुई मीडिया की कार्यशाला, मंडलायुक्त अनिल कुमार ने नौकी बीमारी के लक्षण और बचाव पर दिया व्याख्यान। सामूहिक विवाह में 100 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न, बने एक दूजे के जीवन साथी, प्रभारी मंत्री ने दिया आशीर्वाद। खरमास माह में प्रदेश सरकार का सामूहिक विवाह का आयोजन है पाप, कहा सपा के जिलाध्यक्ष ने। मुख्य सचिव के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा। दवाओं की उपलब्धता का सही रिपोर्ट नहीं देने पर सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का मनमाना रवैया, लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन से कराया लीग का फाइनल मैच। जीसीए पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वाधान में एक दिन खूबसूरत जिंदगी के नाम विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा दर्शना सिंह 30 मार्च को आएंगी गोरखपुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मला द्विवेदी ने दी जानकारी। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने निजीकरण के विरोध में किया जनसंपर्क। अमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे का स्वास्थ्य बिगड़ने पर नक्को बाबा की मजार पर अन्ना हजारे की सलामती के लिए समर्थकों ने की चादर पोशी। और जियो और जीने दो के संदेश के साथ निकाली गई भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा के अंतर्गत दिमागी बुखार पर सीधा प्रभाव के लिए मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन गोलघर स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें मंडलायुक्त अनिल कुमार, एडी हेल्थ पुष्कर आनंद, यूनिसेफ के परवेज भाई शैली सहित मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला में दिमागी बुखार के रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। अपने संबोधन में कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि उपचार में देरी होने पर दिमागी बुखार गंभीर रूप धारण कर सकता है। पहले इसे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम्स यानी AES कहा जाता है, इसके कारण आजीवन अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार या नौकी बीमारी एक संचारी रोग है, जो मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से, दूषित जल पीने से, माइट्स या चिग्गर के काटने आदि के कारण होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए चूहे, छछुंदर, मच्छरों पर नियंत्रण, व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि बच्चों को JE का टीका अवश्य लगवाएं, घर के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था रखें, पानी जमा ना होने दें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें। उन्होंने बताया, उसके बाद देखा गया कि जो डेथ रेट है वो घट के 3% आ गया, तो वहां पे भी हमें एक सफलता पाई। नेक्स्ट प्लीज। क्या प्रॉब्लम है अभी तक, क्या इश्यूज है? अभी भी AS केसेस काफी हाई हैं या बहुत ज्यादा है? ये हम ये एड्रेस कर सकते, हम स्क्रैपटाइटिस भी कम कर सकते, हम और बीमारियां भी कर सकते, सिर्फ ये ही कर सकते। और JE टेस्ट भी अभी भी हो रहे हैं, जिसके लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मच्छर के कारण हो रहा, तो हम लोग अगर जो गांव में रह रहे हैं तो गांव में कहेंगे कि आपकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, जो हमें पता है। प्लस अगर हम सोचते हैं कि हम पानी की सफाई रखें,
हम आसपास की सफाई रखें, नालियां गंदे ना दें, तो मच्छर पनपने कम होंगे। चूहों के बारे में भी ध्यान दें कि चूहे ज्यादा ना बढ़े, उनको भी मारे। और शौचालय बाहर में शौच ना हो, क्योंकि वहीं पे वो जाके चिगर्स उनको वहीं जाके बाहर काटते हैं। तो ये सब अगर हम सावधानियां बरतें तो हम डिजीज को कम कर सकते हैं। और शौचालय के बाद बहुत महिलाओं को ये प्रेरित किया जाता है विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से कि सभी महिलाएं खाना बनाने से पहले अवश्य हाथ को साबुन से धोएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिवारी जी से बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने ये सारा आयोजन किया है। जितने लोग जी परंपरा है वो खत्म हो, जो दूसरी साफ सफाई से संबंधित चीजें हैं वो भी एक्शन हो, और तीसरा अलग अलग विभागों के कार्यक्रम हम सब लगातार देखते हैं, स्वास्थ्य, पंचायत, एनिमल हस्बेंड्री, सबके अलग अलग कार्यक्रम हैं और कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान के तहत सबको एक साथ जोड़ के और उसको चलाने की जरूरत है, इसलिए ये अभियान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, बेहतरी की कोशिश हो रही है, जैसे 1 से 15 वर्ष के बच्चों का जेई का टीकाकरण, मच्छर से बचाव के लिए कार्यक्रम, पूरे में शौच के कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी जब एनालिसिस होती है तो उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे का कुपोषण का जो लेवल था बहुत हाई था, तो अगर उनको कुपोषण से हम पहले ही बचा लेंगे तो शायद उनके किसी भी इन्फेक्शन का कम होगा। साबुन पानी से धोना है। अरे वाह, तुम हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकाल। दिमागी बुखार जान ले बाबा, ज्यादातर गंदगी से फैलेगा। गाँव और घर में सफाई रख के ये से बचा जा सकेगा। चल जा, अब सोच अपना जरूर देख ले, दोनों तरफ का बयान देख लीजिए, फैक्ट्स को चेक करिए, जो आपको प्रेस रिलीज मिलती है उससे आगे चल के देखिए, और आपसे यही उम्मीद है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। हम लोग के बीच में काफी सारे ऐसे भी योद्धा हैं जो बेचारे धूप में घूम घूम के गांव-गांव जा जाके बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, उनका हौसला अफजाई करिए। आशाज, ANM, डॉक्टर्स, ग्राम प्रधान जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। और जैसा मिसेस त्रिवेदी बता रही थी कि इसमें मीडिया का के बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मैं कहूँगा कि मोर और लेस मीडिया हमें कई बार सपोर्ट करता है। ये बात सही है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि जो एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन है वो रिपोर्ट करे, और उससे मैं समझता हूँ जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हैं उसमें करेक्टिव एक्शन भी आता है, उसमें सुधार भी आता है, और एक हमें एक बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलता है। पर जैसा मैडम बता रही थी कि जो हमारे सजेस्टिव एक्टिव जो हमें रिपोर्टिंग हो या जहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शन लेना है या जहाँ पे पॉजिटिव स्टोरीज हो, तो उससे जो हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरी है उनका मनोबल भी बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस फील्ड में काम नहीं हुआ है, बहुत सालों से इस पे लगातार काम हो रहा है और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। जो हमारे अगर हम लोग फैकल्टी रेट ही देखें, मैं बस आंकड़े 2013 से है, 2013 में फैकल्टी रेट जो थी वो 20.39 थी, और जो 2017 में आया 12.64, लगभग आप देखिए कितना बड़ा इसमें फर्क आया है। केसेस की संख्या पहले केसेस है कि ये समस्या में आती थी, केसेस प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं होते थे, तो केसेस हमारे बढ़े हैं, पर जो जो हमारा सालों साल जो डेथ की जो संख्या कम आई है, कम हुई है, और जो हमारी विशेष तौर पर जो फैटलिटी रेट है उसमें लगातार कमी हमारे AS में भी आई है और JS में भी आई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मतलब हमें अभी काम और हमारा एक सेचुरेट हुआ काम हमारा सेचुरेट हो गया, हमें काम अभी बहुत करना है। और जैसे
क्योंकि अभी इसका मैं कहूँगा कि एरिया से खास तौर पे अभी उसका इलाज कैसे हो सकता है, किस तरीके किस कारण से बीमारी होती है, ये अभी हम लोग पूरा उसकी छानबीन और खोजबीन हम लोग कर नहीं पाए हैं, उसका इलाज निकाल नहीं पाए हैं। तो प्रिवेंटिव जो एक्शन है उस पर हमें विशेष जोर देना है, और प्रिवेंटिव के साथ साथ जब ये डिटेक्ट हो जाए तो उसमें जो हमें क्यूरेटिव एक्शन लेना है, मेडिकल जो हमें उनको सुविधा देनी है उस पर हमें अभी काम और करने की आवश्यकता है। जैसे जब हमने 2 साल पहले यहाँ पे देखा, 1.5-2 साल पहले, तो एक ये बहुत ये इशू था कि साथ बहुत बड़ी संख्या में केसेस जो है वो हमारे सीधे मेडिकल कॉलेज में पहुँच रहे हैं या जिला अस्पताल में आ जा रहे हैं, जबकि इस AES में खास तौर पर ये समस्या है कि अगर हम लोग इसका डिटेक्शन समय से कर लें और उनको उचित इलाज हम लोग दे दें तो काफ़ी हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम बीमारी पे कंट्रोल कर लें और बच्चे को बहुत समय से बिना किसी समस्या के और बिना किसी दिक्कत के हम उनको ठीक कर दें। तो अगर हम लोग समय से इलाज प्रोवाइड करा दें तो ये पॉसिबल है। तो इस पर काफ़ी प्रयास किया गया और पिछले साल हम लोगों ने देखा कि जो हमारे केसेस मेडिकल कॉलेज में आ रहे थे और जो उसी का अनुपात जो हमारे जिला अस्पताल में आ रहे थे और जो हमारे BSC CSC में जा रहे थे, तो BSC CSC में खास तौर पे और जिला अस्पताल में जो केसेस थे उनकी संख्या बढ़ी है बनस्पत इसके BRD मेडिकल प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज वाइज में बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक इसका एक सीधा कारण ये हो सकता है कि जो सुविधाएं और जो जागरूकता हमारे ETC पे है और DPO पे है उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे और ऐसे विलेज लेवल फंक्शनरीज हैं, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हैं या हमारे सेक्रेटरी हैं या इवन कई जगह कोटेदारों को भी हम लोगों ने ट्रेन किया है, हमारे जो स्कूल्स में जो फिजिकल टीचर्स हैं जिनका जिम्मा है कि फिजिकल ट्रेनिंग और जो सोशल मोबिलाइजेशन जिनका जिम्मा है उनको भी हम लोगों ने ट्रेन किया है, और इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी जिसके काम तो शुरुआत कर दी थी 20 मार्च से पहले, 20 मार्च के बाद डायरेक्शंस भी आए हम लोगों को, और हम लोगों ने सबको बिठा के जैसे इलेक्शन में ट्रेनिंग कराते हैं वैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करी है। कुशीनगर में पूरी हो चुकी है, गोरखपुर में चल रही है, महाराजगंज में बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से जो विलेज लेवल फंक्शनरीज हैं, हमारे आशा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, एनएफ है, टीचर्स हैं, कोटेदार हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, उन सबको हम लोगों ने ट्रेन और सेंसिटाइज किया है, क्योंकि जो हम लोग की मंशा है, सरकार की मंशा है, वो इन्हीं के माध्यम से गाँव गाँव तक घर घर तक पहुँचती है, वो हम लोगों को मिल गई है और उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी एनएम तक आशाएं तक कर दिया है, जिससे 2 तारीख को इसका प्रॉपर 2 तारीख से इसका प्रॉपर से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले सिद्धार्थनगर, उसके बाद गोरखपुर में, और 3 तारीख को देवरिया में और फिर संतकबीर नगर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से पूरे जो फील्ड लेवल फंक्शनरी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सभी अधिकारी कर्मचारी उनको काफ़ी मनोबल मिलता है और हम लोग भी अपनी बात सीधे उन तक पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे चाहे जिला अस्पताल में हो और CSC PSC में हो, इवन BRD मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया गया है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स कंटेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें, इक्विपमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, और मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग 15-20 अप्रैल तक काफ़ी हद तक जो हमारी तैयारी है वो कम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि एनसेफेलाइटिस का वैसे आजकल तो ये बड़ा मतलब ये ट्रेंड आ गया कि पहले जैसा होता था कि बरसात से शुरू होता था, लेकिन सर्दियाँ शुरू होते होते उसका असर कम हो जाता था, अब कई केसेस ऐसे भी आए जो कि इस सीजन के अतिरिक्त आए, पर फिर भी हम लोग बरसात से पहले ही हम लोग तैयारी पूरी कर लेंगे। बस्तर अभियान जो है वो इसका पहला फेज अब 2 तारीख से शुरू हो रहा है, इसके बाद मई में भी होगा और आवश्यकता पड़ेगी तो शायद एक्सटेंड किया जाए, और मैं इसके लिए ही सर को बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ कि जनरली अगर हमें हम उनको इन्फॉर्मेशन समय से उपलब्ध करा दें और सही इन्फॉर्मेशन समय से उपलब्ध करा दें और ऐसे तरीके से इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करें जिससे वो उसे आराम से छाप सके, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नहीं।
लक्ष्य था कि सफाई अभियान के बारे में उन्होंने काफी किया, ऐसे हिंदुस्तान ने भी किया, पहले मंत्रालय ने भी किया, सभी अखबार से हमारा राष्ट्रीय सहारा हो और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कई इम्पोर्टेंट इशूज पे उन्होंने विशेष अभियान चलाया है और कई बार मैंने देखा पूरा पूरा पेज उस पर वो उस पर निकालते हैं। तो उससे भी ऑब्वियसली जो हम लोग चाहते हैं कि जनता तक बात पहुंचे वो पहुंच रही है। और जैसा मैडम बताती रही थी कि हम लोग इस बार कोशिश करेंगे जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज हम चाहेंगे कि हम प्रेस उसको विशेष रूप से निकालें, ताकि क्योंकि एक अगर जर्नलिस्ट एज कमिश्नर्स या डीएम या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएमओ साहब अगर बताते हैं तो उसका हो सकता है कि उसको पढ़ते तो है, पर अगर एक अननोन जो पब्लिक फिगर अगर एक वो स्पेशलिस्ट है अपनी फील्ड में वो अपनी बात निकाले जिसका एक जिन्होंने उस फील्ड में अच्छा काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी एक अच्छा असर होगा। गुरुवार को चंपा देवी पार्क में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में 92 हिंदू जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया, तो वहीं 8 मुस्लिम जोड़ों ने भी शहर काजी के नेतृत्व में निकाह कबूल किया और एक दूसरे को जीवन साथी बनाया। प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके खुशहाल जीवन की मंगल कामना की। सामूहिक विवाह में पूर्व मंत्री और विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, विधायक खजनी संत प्रसाद, सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सामूहिक विवाह की पूरी जिम्मेदारी शहर के आला अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुई। सामूहिक विवाह को संबोधित करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, जनाब सप्तऋषि कुमार जो कि बहुत पावन अवसर है, मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि खड़े हो जाएं, जो जोड़े आए हुए हैं, युगल आए हुए हैं, खड़े हो जाएं। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा कि मजहब इस्लाम में निकाह कैसे होता है और कैसे होता है, इसलिए सिर्फ चंद लम्हा 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो कानून निकाह बोलना है जिसे आपके इल्म में होना जरूरी है। पहली चीज ये है कि मजहब इस्लाम में
निकाह की मालिक लड़की होती है, लड़का नहीं। जो भरम है वो हट जाना चाहिए। मजहब इस्लाम में निकाह की मालिक लड़की होती है, लड़का नहीं। इसलिए पहले इजाजत लड़की से ली जाती है और सराहकन इजाजत देना उसका शर्त है। खाली चुप रह जाने से भी निकाह नहीं होगा या दस्तखत कर देने से भी निकाह नहीं होगा। इसलिए सराहतन इजाजत देना शर्त है और सराहतन इजाजत के सुनने के लिए दो गवाह की जरूरी है। हर निकाह में हमने दो गवाहों के दस्तखत के साथ साथ उनके सामने इजाजत लेकर के सराहतन लड़की से इजाजत लिया है और उसके बाद उन लोगों ने जब सुन लिया तब हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम उनका नाम लेकर के अर्ज भी कर देंगे। दूसरी चीज, लड़की के जिम्मेदारी हाँ कहने के बाद ये होती है कि शौहर की समाजी जिंदगी में और रवाजी जिंदगी में जो अच्छाइयाँ होगी मैं उसमें कोई बुराई नहीं कहूँगी, ये हाँ कहने के साथ उसका जिम्मेदारी होती है। इस बात का इकरार होता है उसका कि मैं इस खानदान में आकर के खानदान का हिस्सा बन करके रहूंगी और खानदान के वो तमाम चीज जो मजहबी रसूम से वाबस्ता है इसको मैं कबूल करूंगी। उसके बाद दोबारा इजाजत ली जाती है लड़के से, जिसमें लड़के की भी हाँ कहने की ये जिम्मेदारी होती है कि लड़की के समाजी जिंदगी में, रवाजी जिंदगी में, मिजाजी जिंदगी में जो कुछ भी जरूरत है मैं पूरा करने का वचन देता हूँ। सरकारी वचन नहीं, इसलिए उसको अहद करना पड़ेगा कि अगर इसकी जरूरत है तो मैं उसे पूरा करूंगा। इस जिम्मेदारी के साथ उसको हाँ करवाया जाता है और इस हाँ कहने के लिए भी दो गवाहान की जरूरत है, जरूरी है। इस हाँ कहने के लिए भी तो जरूरी है। ये तो हो गया अब इनका जोड़। इस जोड़ को तोड़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। सिर्फ मजहब इस्लाम में ही लड़की की आज़ादी का रास्ता है। जो नहीं मालूम है वो मुझे अर्ज करना है। और मजहबों में तो जितनी मेरी मालूमात है कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक रूह के साथ ताल्लुक है और रूह जब तक की है तब तक वो रहेगा, रास्ता है। एक बात और जहन में अच्छी तरह रख लें, मजहबी इस्लाम में निकाह के वक्त में महर का मुतय्यन करना अनिवार्य है, जरूरी है, फर्ज है और लड़की का महर पर कब्जा करना भी शर्त है वरना निकाह कमजोर रहेगा। जितना ये नहीं कि चलो भैया मारपाट को सही आज माफ कर दो तो माफ हो गया है, ऐसा जो लोग कहा करते हैं वो धोखा दे रहे हैं। मैं काजी शहर जिम्मेदारी के साथ जो कुछ कह रहा हूँ वो कानून शरीयत बोल रहा हूँ। इसलिए महर का देना फर्ज है, लड़की का कब्जा करना फर्ज है और जो मुतय्यन किया है उसको देना जरूरी है। ये लड़की अपने ले जाए जहाँ जा जो कुछ करे। तीसरी चीज, गवाहान का मुशर्रा होना भी शर्त है, इसलिए कि ये इबादत है और इबादत के अंदर किसी और मजहब का दखल नहीं होता है। चौथी चीज वो मैं और शॉर्टली में अर्ज करूंगा, जो कुछ भी लड़की को दिया जाता है गौर से सुन ले, ये वो कानून है जो इस्लाम का अनवार कानून है। चाहे लड़की के माँ बाप दें, चाहे शौहर मुंह दिखाई दे या सास ससुर मुंह दिखाई दे या सखी सहेली दे, सबकी कुल्ली मालिक लड़की होती है। एक चम्मच भी बगैर उसकी सरी इजाजत के इधर उधर करना हराम है। जिस तरह खे करके खा लेना हराम है, इसी तरीके से जहेज की रकम हरा हजम कर लेना हराम है। लेकिन इस बिगड़े समाज ने, बिगड़े रवाज ने, बिगड़े मिजाज ने सारा कुछ भ्रष्ट करके रख दिया है और मौका भी नहीं होता। आप हजरात गौर से सुन ले, हो सकता है कोई बात मेरी कहीं पहुंच जाए। तीसरी चीज, लड़की से इजाजत के वक्त में जिन गवाहान ने गवाही दी है उनकी दस्तखत भी जरूरी होती है। अगर लड़की चुप रहे और दस्तखत कर दे तो भी निकाह होने में गड़बड़ी हो जाती है। हम ज्यादा वक्त न ले करके, इसलिए कि गर्मी में हमारे नेता लोग तो वैसे ही परेशान हैं। अब मैं वो खुतबा जिसमें जिम्मेदारी का एहसास होता है हमारे रसूल से साबित है वो हमें अर्ज करना है।
فورس ہیں جن لوگوں سے میں نے اجازت الحمدللہ الحمد ہوا نستعین ہوا نستغفر ہوا نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا الودود الولود فاني مقاتر بكم الامم ولا تقتلن بعدي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا كوالي سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم اب میں نام لے رہا ہوں جن کا دونوں فور سے سن لے صاحب علی ولد جمراتی کا نکاح سکینہ بن ظہور علی کے ساتھ بولا ذرا غور سے سن لیں پھر میں ان کے پاس دوبارہ آؤں گا ایجاب و قبول کرانے کے لیے نمبر ایک سن لیں صاحب علی ابن جمیراتی علی پریم نگر نگوا پکا بازار اروا گورکھپور ان کا نکاح سکینہ بنت ظہور علی پریم نگوا پکا بازار گورکھپور کے ساتھ کیا گیا ابھی میں ان کے پاس آ کر کے اجازت دیتا ہوں دوسرے نمبر پہ ہے تیجہ علی بن قربان علی نگوا پریم پٹوا بازار گورکھپور ان کا نکاح روزینہ خاتون بنت سکور نگوا پٹوا بازار گورکھپور کے ساتھ کیا گیا ابھی میں دوبارہ ان کے پاس پھر آ رہا ہوں اجازت دینے کے لیے تیسرے نمبر پر ہے غلام حسین بن محمد مسافر راوت پار دھوریا پار گورکھپور ان کا نکاح رخسانہ بنت محمد مختار نگوا پریم دیہی ڈی گورکھپور کے ساتھ کیا گیا بولے ہیں لیکن چوتھے نمبر پر ہے آفتاب حسین ابن عبد الوحید ڈومریا گنج گورکھ سدھارتھ نگر ان کا نکاح عشرت جہاں بنت مہتاب عالم گولا محلہ پڑھل گنج گورکھپور کے ساتھ کیا گیا پانچویں ہے مرزا امانت بیگ ابن عبد الکمال بیگ غازی پور بھینسہی دیوریا کا نکاح مہناز خاتون بنت غلام غوث اوڑی ماور کول گورکھپور کے ساتھ کیا گیا میں ابھی آپ لوگوں کے پاس دوبارہ ایجاب قبول کرانے کے لیے آتا ہوں دو ساری بچے کے لیے ایک ریمنڈ کا سیٹ موبائل سیٹ پائل بچیا کپڑے ساڑیاں یہ سارے سامان اپلبدھ کرائے جا رہے ہیں میں اپنی اور سے میں پورے اپنے جنتر استر سے سارے لوگوں کی طرف سے ان کو بدھائی دیتا ہوں ان کا جیون منگل میں ہو بہت آگے بڑھے اور جیون میں ایک سارتھک مقام تک پہنچے یہی منگل کامنا ہے یہ بہت شبھ مہورت ہے یہ کم لوگوں کو اس فرصت ہے یہ ان کا خوش نصیبی ہے یہ کم لوگوں کو ملتا ہے جیون میں یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والے نے آج یہ موقع دیا ہے یہ آشیرواد مالیاں بجتے رہے نرنتر تالیاں بجتے رہے یہ بہت بڑا ایک پوری کا کاریہ ہو رہا ہے یہ آج یہ اپہار سوروپ ان کو سامگری پردان کی جا رہی ہے ان کا جیون پرشست ہو بہت آگے بڑھ
कहाँ से हैं और आपका विवाह आज हुआ है, क्या कहेंगे इस सामूहिक विवाह में? क्या नाम है आपका? बात आती है भोजन की, रोटी की, तो रोटी के लिए जो राशन वितरण प्रणाली है ये पहली बार हो रहा है। अब राशन वितरण प्रणाली में माफिया गिरी नहीं चलेगी। जो राशन का पैसा है वो उपभोक्ता के खाते में जाने का काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब या कैसा भी कोई भूखा नहीं सो सकेगा, सबको उचित पोषण का अच्छी व्यवस्था होगी, ये भी सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों को शिक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, शादी के लिए भी इंतजाम चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, सबसे बड़ा महाराजा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराज जिन्हें कहते हैं, ये सौभाग्य। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति ही अकेली बेटी नहीं होगी, वो बेटी समाज की बेटी होगी। अब किसी पिता के लिए अपने बेटी के हाथ पीले करने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, जिला प्रशासन उसकी चिंता करेगा। आज आप देख रहे हो किसी सामान्य व्यक्ति के बेटी की शादी में इतने विधायक नहीं पहुंचते, जिला प्रशासन, डीएम और पुलिस और अधिकारी भी नहीं पहुंचते। आज के इस अवसर पर माननीय योगी जी को मैं और इसलिए बधाई देना चाहता हूं, प्रजातंत्र पहले से चल रहा है, व्यवस्थाएं पहले से हैं, सारी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देकर जमीन पर उतारने का काम करना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लागू करने का काम योगी आदित्यनाथ ने जी किया है, इसके लिए बहुत स्वागत और बधाई के पात्र है। मैं उनका गोरखपुर की धरती पर अभिनंदन भी करता हूं। ये कार्यक्रम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है और बंधुओं सच में समाज के सभी सहयोग से गोरखपुर में सभी योजनाएं लागू होंगी। प्रभारी होने के नाते चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का हो, दिव्यांग पेंशन का मामला हो, सामूहिक विवाह योजनाओं के साथ और भी सरकारी सुविधाएं हो, सारी सरकारी सुविधाएं हमारे माननीय विधायकगण, समाज के सारे लोग गोरखपुर में हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर गांव में उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का भी संदेश है, उनके द्वारा मैं ये संदेश अपने प्रशासन को और अपने माननीय विधायकों के माध्यम से जनता तक, गोरखपुर के अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, हमारी सारी सरकारी योजनाएं जिला प्रशासन के माध्यम से गोरखपुर के अंतिम छोर तक पहुंचे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सोच है, जो चिंतन है, वो गोरखपुर में लागू हो। गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता, घर बैठे उसे न्याय नहीं मिल पाता,
उस दिन सच्चा प्रजातंत्र होगा, उस दिन योगी राज लागू होगा, गोरखपुर के आम नागरिक को जो अपने घर में बैठा है घर बैठे न्याय मिल जाए इसकी चिंता जिला प्रशासन गोरखपुर को करनी होगी। और इस चिंता के साथ साथ उन्हें काम करने का भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं। बंधुओं, आज जो ये संदेश माननीय योगी जी को हिंदूवादी विचारधारा का नेता कहा जाता है, उन्होंने भी बोला कि भाई समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। राम राज्य कैसा? न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं, जो गलती करे उसको दंड मिले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सबके साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और उसी के साथ सबका विकास। ये योजना गोरखपुर की जमीन से लागू होती है, आज सामूहिक विवाह योजना में परिलक्षित होती है। हिंदू बेटियों की शादी हो रही है तो वहां मुस्लिम बेटियों की भी शादी हो रही है। ये है सबका साथ सबका विकास, ये है व्यवस्था, सबके लिए एक इंतजाम। आज इस अवसर पर हिंदू परंपरा से भी विवाह होंगे और मुस्लिम रीति रिवाज से भी निकाह का काम किया जाएगा और ये सामंजस्य गोरखपुर में दिखाई दे रहा है और ये सामंजस्य गोरखपुर के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दिखाई देने का काम करेगा। मैं इन सभी के साथ, मैं अपने सभी जो इस शादी के जो बंधन में बांध में जोड़ी हिंदू युवक युवतियां, 8 जोड़ी मुस्लिम युवक युवतियां, इन सभी को आज के इस पवित्र संस्कार पर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, आप सभी का वैवाहिक जीवन सुख शांति समृद्धि और आपसी सौहार्द के साथ व्यतीत हो। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए समाज का सम्मान जीवन जिए, इसी उम्मीद के साथ आपको शुभकामनाएं देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। गुरुवार को समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने पत्रकार वार्ता के सौजन्य से प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह को अनुचित ठहराते हुए कहा कि खरमास माह में कोई भी शुभ कार्य हिंदू धर्म में पूरी तरह से वर्जित है, तो फिर सामूहिक विवाह कैसे संपन्न किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम को राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक हम सभी हिंदू भाई खरमास के महीने में किसान गाय बैल नहीं खरीदता है, घर बनवाना हो नींव नहीं खोदता है, कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करता कि जो शुभ कार्य की श्रेणी में आता है। और शादी विवाह को पहले से ही गणना बैठाई जाती है कि कितने दिन से बन रहा है, गणना बैठ गई तो उसके बाद मुहूर्त निकाला जाता है, मुहूर्त में भी दिशाशूल से लेकर के और तमाम चीजें हैं, तो उन सारी चीजों के बाद जो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम का जो सिस्टम है और विवाह के प्रकारों में हम गांधर्व विवाह नहीं कर रहे, हम राक्षस विवाह नहीं कर रहे, हम जो विवाह संस्कार करते हैं वो वैदिक रीति रिवाज सनातन धर्म में आता है, होता था और लड़की वर्ण करती थी। विवाह के जो 15-16 प्रकार हैं उसमें से एक बहुत ही जाते हैं और वो ऐसे समय में जब दो युवक एक युवक एक युवती दो जीवन धर्म आस्था और विश्वास की चीज योग कर्म योग की शिक्षा देते हुए अर्जुन से कहा था कि स्वधर्मम निगमम श्रेयर पर धर्मोपाया। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में मुख्य सचिव के आगमन के मद्देनजर तैयारी बैठक के दौरान दवाओं की उपलब्धता के बारे में सही रिपोर्ट न देने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने बिंदुवार समीक्षा करते हुए जानकारी ली तो बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में अपेक्षित प्रगति नहीं है, कुशीनगर जनपद में भी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी सूचना सही ढंग से दें। मंडलायुक्त ने पंचायती राज
जल निगम, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बीएसए को निर्देश दिया है कि दस्तक अभियान के दृष्टिगत अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत करें और उसके अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। मंडलायुक्त ने चिकित्सा क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया कि 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सापेक्ष 3 पूरे हो गए हैं। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि विगत 1 वर्ष में कितनी प्रगति हुई है इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने 14वें वित्त तथा राज्य वित्त समीक्षा के दौरान पाया कि महाराजगंज की प्रगति अच्छी नहीं है। इस संबंध में उपनिदेशक पंचायती राज द्वारा बताया गया कि महाराजगंज जनपद तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विद्युत आपूर्ति, नई सड़कों के निर्माण, गन्ना का सही भुगतान, गाँव का ऊर्जारीकरण, अमृत योजना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नगरी स्ट्रीट लाइट की स्थापना, छात्रों का नामांकन, स्कूल चलो अभियान की तैयारी आदि की गहन समीक्छा की। तो चीज हिसाब में वीडियो लेटर से डीएम को लिखा चारों डीएम को और कंसर्न और मंडल के बारे में मिले हैं। अधिकतर मेल तो हमारे गोरखपुर का था, थोड़ा महाराष्ट्र का भी है, कुछ जगह में तो जांच कर तो यदि आपके दिमाग के संबंधित कंप्लेंट तो डीएम के यहाँ और हमारे एडिशनल कमीशन न्यायिक के यहाँ है। एडिशनल कमीशन न्यायिक साहब के यहाँ है मिस्टर अशोक कुमार सिंह, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा जो कि कंप्लेंट का जवाब गलत दे रहा है, जिससे हमारा जो शिकायत और निस्तारण वो कम्पलीटली नहीं हो पा रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आ रहे हैं, प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन आ रहे हैं और प्रमुख सचिव पर्यटन आ रहे हैं। ये 5 कंप्लेंट प्रमुख सचिव ग्रंथ की सूचना मिल चुकी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया चैलेंजेस एंड ऑप्शंस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संवाद भवन में आयोजित इस सेमिनार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में मुख्य रूप से प्रोफेसर SNM त्रिपाठी, प्रोफेसर BK यादव, SC पांडे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार रखे और रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा भी की। ट्रेडिशनल चैलेंजेस और थ्रेट्स को कम किया, गैर परंपरागत की लिस्ट लंबी है, बहुत से टेररिज्म, मैरिटाइम टेररिज्म, ह्यूमन सिक्योरिटी के बहुत से पार्ट, डिस्पैरिटीज, क्रॉनिक पॉवर्टी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, दोनों को मैनेज करते हुए देश के विकास की गति को बनाए रखा जा सके और भी आगे बढ़ाया जा सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिए यह आवश्यक है कि देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जितनी भी गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियाँ उनके विषय में विचार विमर्श हो, उनके नेचर के बारे में विचार विमर्श हो तथा उनको नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों के बारे में विचार विमर्श इस तरह की संगोष्ठियों में हो ताकि भारत के नीति निर्धारकों को इस बात का भी ज्ञान हो सके कि किस तरह से इन समस्याओं से देश निपट सकता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर काउंटिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई क्वालिफिकेशन। जैसे आपने बताया कि ये तो सब पता ही चल गया कि फौज के अंदर जैसे एक लोगों की धारणा होती है कि अगर फिल्मों में भी देखते हैं उसके अंदर
ये कर्नल साहब होंगे कोई अच्छी तरह से यूनिफॉर्म पहने होंगे, ये जिनके पास कुत्ता होगा पाइप पी रहे होंगे और बात बात पर गोली चलाते हैं और एक साथ में उनकी जवान ड्यूटी की होती है, तो ये चीजें धरना होती है। तो लेकिन फौज के अंदर भी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है और मौका मिलता रहता है देश में विदेश में जाने का और वहाँ करने का। थैंक यू वेरी मच, अपने बारे में अच्छे सबको अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम फीलिंग इट होम। थैंक यू वेरी मच। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग आउट इज अबाउट दैट आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्सिटी and like you all I was also moving from one department to another department from university to botany or geology and in between used to meet British science, the forefather of defense and strategic studies used to be located that time in that particular place, and during that time Professor Shukla, Professor Radha Prasad, and I happened to know them and they were there. Concerns and affects the security, so hence it is very very important. जो आदमी कंसर्न सिक्योरिटी को है वहाँ पर आदमी है, एयरफोर्स है, नेवी है, बाकी लोग हैं या लोग हैं, लेकिन नॉन कंसर्न सिक्योरिटी ये हम सब आप सब लोग बैठे हैं, ये सब की जिम्मेदारी है। Hence there is a need for everybody to be aware about it. सिचुएशन एक सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं, जैसे आप किसी रोड पर जा रहे हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ बिकॉज ऐसे जो खतरे होते हैं ऐसा नहीं पहचाना जाता है, किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो उसके इंडिकेटर्स आते हैं, उसके तमाम चीजें होती है, वीकनेस हो रहा है, सांस फूल रही है वगैरह वगैरह, जो आप मेडिकल एडवाइस देते हैं चले जाते हैं फिर आप सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर आपने उसको निग्लेक्ट किया तो फिर तुम सडन सम मिसफॉर्च्यून। So similarly, all these non-traditional security threats which are there, they are when among them, this is the same society, same place where you are walking, staying and everything you are doing. So if you are aware, you will notice the changes or the indicators which are there in the environment. And you, when I say you, then the society, then the people who are in the administration are who are responsible for running this country, if you pick up those indicators and take action, so they can be dipped in the party. But if they are not, then you have to keep fighting and your all your resources and energy will go towards that. So if you are a country which is fighting, no, there are different groups fighting other themselves. So then what kind of a different security they can possibly can find that? For me, that Punjab, what you should think about, no? कि वहाँ के लोग बहुत कार्पेट हैं, दोषीले हैं, बाकी है फौज में जाते हैं, कि अफगानिस्तान के बारे में जैसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने काबुली वाला एक नॉवल लिखा था, तो बहुत पुराने जमाने से बहुत पहले से लोग वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी वाले फिल्म भी है देखी होगी, तो उसके अंदर यह कि वो सब बड़े जिंदा दिन लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत काबूंग अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जब से आप सुन रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ के अलावा यहाँ पर हमेशा युद्ध ही हो रहा है, कभी आपस में लड़ते हैं, लड़ाई चलती है, कभी वहाँ पर गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत होने वाले जिला क्रिकेट लीग के लगभग हर मैच को गोरखपुर न्यूज अपने खेल प्रेमी दर्शकों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन के लिए क्रिकेट के कुछ अंशों का प्रसारण अपने समाचार के माध्यम से रोज करता है, लेकिन गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसे उजागर करना हमारा फर्ज बन जाता है। गोरखपुर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच नासा केएस टैलेंट और आतिफ क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन लगाया गया था, जो कि खेल के साथ किसी भद्दे मजाक से कम नहीं।
लाल बॉल के साथ काला साइड स्क्रीन होने से हमारे खेल प्रेमी दर्शक समझ रहे होंगे कि बैटिंग करने वाले बल्लेबाज के लिए गेंद को देखने में कितनी कठिनाई होती है। दर्शकों, आपको बताते चलें कि यह मामला पहली बार का नहीं है। गोरखपुर लीग के अन्य कई मैचों में भी इस तरह की गलतियां बार बार लीग के आयोजक करते रहते हैं, जो कि खिलाड़ियों के भविष्य के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं। गोरखपुर न्यूज ने जब इसके बारे में गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शफीक अहमद से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि तस्वीरें आपके सामने यहां पर आप टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं किस तरह लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन का बेमेल और अनोखा प्रयोग लीग के फाइनल मैच में किया जा रहा है। ये गलती नहीं बल्कि ब्लंडर है, जो कि प्लेइंग कंडीशन के खिलाफ है और बीसीसीआई और आईसीसी के नियमों के भी खिलाफ है। वह भी जीसीए का सबसे महत्वपूर्ण जिला क्रिकेट लीग का फाइनल मैच, जिसका खामियाजा आने वाले समय में हमारे युवा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। आपको लेके चलते हैं दूसरे तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर भी गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में फैले भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो कुछ दिन पहले टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा के नीचे नारे लगा रहे यह युवा खिलाड़ी गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के मनमानी रवैये और भ्रष्टाचार व्याप्त होने की शिकायतें कर रहे हैं। इनका कहना है कि अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के सिलेक्शन में घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं और साथ ही उल्टे सीधे तरीके से फीस के नाम पर पैसे ऐंठने का भी काम गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के सुनील राणा ने कहा, गोरखपुर के लोकतंत्र का शुद्ध भ्रष्टाचार है। इन्होंने 2015-16 में ₹1,000 लेकर ट्रायल मैच कराया, उसके बाद कैंप के नाम पे हमेशा शोषण करते हैं, लीग के नाम पे इन्होंने पैसा लेते हैं, कोई भी रसीद नहीं देते। रोज इनका एक नया नया हथगंडा, नए नए धंधे हो चुके हैं। ये 37 साल से एक अपचिकृत संस्था है जो UPCA से रजिस्ट्रेशन के नाम पे चलती है, लेकिन ट्रायल लेती आती है, ट्रायल में खूब धनुगाही करते हैं। विगत 4 सालों से इतनी धनुगाही होनी चालू है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग कर रहे हैं कि यहाँ का ट्रायल कानपुर में कराया जाए, यहाँ के पूरे मंडल गोरखपुर मंडल का ट्रायल कानपुर में कराया जाए, जिससे बच्चों के साथ निष्पक्ष हो सके। ये साफ कहना चाहता हूँ कि UPCA के सेक्रेटरी महोदय एक कमेटी बनाए, एक कमेटी बना करके जांच करें। यहाँ के पुराने खिलाड़ी हैं, एकलाख अहमद को पूछा नहीं जाता है,
परवेज हसन के बल एक लगे रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को कभी पूछा नहीं जाता है। आनंद सक्सेना है, धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू हैं और तमाम हमारे पुराने प्लेयर हैं, राकेश कन्नौजिया, विशाल पांडे, तमाम लोग हैं। आज तक किसी को पूछा नहीं जाता। ये दो जी एन तिवारी, शफीक सिद्दीकी नामक जोर टाइप के आदमी लोग बैठे हुए हैं, 37 साल से गुंडागर्दी कर रखे पूरे गोरखपुर के अंदर, क्लबों का शोषण करते हैं। मैं यही बात मांग उठा रहा हूँ कि यहाँ का ट्रायल कानपुर जाए और यहाँ से बिल्कुल जो शोषण बंद हो, लीग का पैसा बंद होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन नॉमिनल फीस होनी चाहिए या UPCA बता दे कि वो यहाँ लीग का पैसा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर इखलाक अहमद जी के नेतृत्व में क्यों नहीं हो सकता? केवल एक आदमी इनके पास है, 3 साल से आता है, 3 साल से चला जाता है। मैं और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रायल के नाम पे सुध वसूली, ट्रायल मैच के नाम पे वसूली, कैंप के नाम पे वसूली, हर समय वसूली। एक नया धंधा इनका है, हर साल एक क्लब को बैन करने के लिए कभी किसी को कोई भी पत्र नहीं देते बैन का, प्लेयर को बैन करने के नाम पे। अभी एक टूर्नामेंट चल रहा बस्ती में, उसके दौरान ये आदमी सभी स्थिति के खुलेआम टूर्नामेंट कभी कहता है कि एक क्लब बंद होगी, बैन कर दी। ये धरना की इनकी जांच होनी चाहिए और यहाँ का ट्रायल कानपुर जाना चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। दस्तक के अंतर्गत हुई मीडिया की कार्यशाला, मंडलायुक्त अनिल कुमार ने नौकी बीमारी के लक्षण और बचाव पर दिया व्याख्यान। सामूहिक विवाह में 100 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न, बने एक दूजे के जीवन साथी, प्रभारी मंत्री ने दिया आशीर्वाद। खरमास माह में प्रदेश सरकार का सामूहिक विवाह का आयोजन है पाप, कहा सपा के जिलाध्यक्ष ने। मुख्य सचिव के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, दवाओं की उपलब्धता का सही रिपोर्ट नहीं देने पर CMO से मांगा स्पष्टीकरण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का मनमाना रवैया, लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन से कराया लीग का फाइनल मैच, GCA पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वावधान में एक दिन खूबसूरत जिंदगी के नाम विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा दर्शना सिंह 30 मार्च को आएंगी गोरखपुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मला द्विवेदी ने दी जानकारी। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने निजीकरण के विरोध में किया जनसंपर्क। आमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे का स्वास्थ्य बिगड़ने पर नक्को बाबा की मजार पर अन्ना हजारे की सलामती के लिए समर्थकों ने की चादर पोशी। और जियो और जीने दो के संदेश के साथ निकाली गई भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा, 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वाधान में एक दिन खूबसूरत जिंदगी के नाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन विभाग के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केएन सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व मुख्य वाणिज्य प्रबंधक रणविजय सिंह, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, गीता सिंह, प्रोफेसर शैलजा सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यशाला में वक्ताओं ने एक दिन खूबसूरत जिंदगी के नाम विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि केएन सिंह तथा रणविजय सिंह ने कहा, सुमित्रा सिंह के इस कार्यक्रम एक दिन खूबसूरत जिंदगी के नाम पर आने के बाद बड़ा अच्छा लगा, अच्छा आया। आयोजन है और आयोजन का जो उद्देश्य है उनके करें और आप तो बहुत बढ़िया भीड़ और भ्रम भरे मौसम में फुर्सत के कुछ क्षण निकाल करके एक दूसरे खुशी करें, मैंने वो उसमें एक कार्यक्रम के लिए तरफ से बोला, उन्हें बहुत बहुत व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उसके पर समर्पण का भाव से काम करिए, उसमें खुशी न खूबसूरती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और आपको मानसिक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए वही असली खूबसूरती है, उसी में आनंद का बोध होता है, उसी में संतोष का बोध होता है। और एक संतोष का जीवन ही हम लोग के सुखमय जीवन है और वही खूबसूरत है। इस दृष्टिकोण से मैं यही मानता हूँ कि इसमें जो भी आपके सामने काम उसको ईमानदारी से समर्पण के भाव से करते रहिए, इसमें आपको आनंद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय अध्यक्षा निर्मला द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा दर्शना सिंह का आगमन गोरखपुर में 30 मार्च को होगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दर्शना सिंह जी 30 तारीख की रात यहाँ पे आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, 30 की सुबह सवेरे मंदिर जाएंगे 8 बजे, उसके बाद 9 बजे माधव धाम जाएंगे संत, फिर वहाँ से आएंगे तो जय स्वागत करेंगे, उसके बाद भाजपा बेनीगंज भाजपा कार्यालय में उनका घर में स्वागत करेंगे। 11 जिले की बहने रहेंगी, उसमें एक बैठक भी होगी। तो संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं की या सम्मेलन को अभी प्रदेश की टीम भी नहीं बनी है, संगठन के विस्तार के बारे में तो बात होगी, लेकिन अभी तो हर जिले में उनका स्वागत हो रहा है सभी क्षेत्रों में। अभी गोरखपुर क्षेत्र में एक ही दिन मिला है, सिर्फ गोरखपुर को जाना है, अभी हमारे सभी जिलों में जाएंगे, लेकिन अभी तो बस हर जिले में एक एक हर जिले की एक जगह है, किसी भी जिले में जा रही हर क्षेत्र के उसमें गोरखपुर का कार्यक्रम। गुरुवार को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारी गोलघर के सभी दुकानदारों से जनसंपर्क किए और विद्युत के निजीकरण होने से क्या क्या नुकसान होगा दुकानदारों को बताया और अपने समर्थन में आने की अपील की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयोजक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अजय कुमार ने कहा, बंद करो निजीकरण वापस लो।
व्यक्ति को जागरूकता से अगले चार दिनों तक जन जागरूकता अभियान के तहत जनता के बीच हम जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और ये हम बताना चाहते हैं कि निजीकरण से जहां सीधे तौर पे विभाग को नुकसान होगा, कर्मचारियों को नुकसान होगा, वहीं दूसरे रूप में हमारे व्यापारी भाइयों को भी नुकसान होगा, हमारे किसान भाइयों को भी नुकसान होगा, हमारे युवा बेरोजगार भाइयों को नुकसान होगा। क्योंकि निजी कंपनियों के आने से सरकारी नौकरियां ख़त्म होंगी और सरकारी नौकरी के सपने जो है वो सबके ख़त्म हो जाएंगे, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम अपने लिए नहीं, हम आम जन के लिए भी लड़ रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। आज हमारा जन जागरूकता का ये पहला दिवस है और इसमें हम लोग आज अभी सूरजकुंड मोहल्ले और अन्य गोरखपुर के सारे मोहल्ले में हम लोग आए हैं। और इस समय हम लोग गोलघर में व्यापारियों की भाई के बीच में जन समर्थन लेने के लिए हर लोगों के पास जा रहे हैं और इससे होने वाले नुकसान को बता रहे हैं कि वो हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े, ताकि इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल सकें। गुरुवार को दिल्ली में अन्ना हजारे द्वारा जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए किए जा रहे आमरण अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर अन्ना हजारे के समर्थकों ने डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के नेतृत्व में दरगाह शरीफ हजरत अली नक्की शाह उर्फ नक्को बाबा के मजार पर अन्ना हजारे की सलामती के लिए चादर पोशी किया। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने बताया कि वह दिल्ली में अन्ना हजारे के साथ आमरण अनशन पे उनके साथ रहे थे। चादर पोशी में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशन सिंह, इम्तियाज जनार्दन सिंह, अनिरुद्ध कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनशन का समर्थन कर रहे डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने कहा, आंदोलन कर रहे हैं, उसी के समर्थन में गोरखपुर में हम लोग टाउन हॉल के मैदान में 23 तारीख से आंदोलन चला रहे हैं। मैं चार दिन 23, 24, 25, 26 चार दिन दिल्ली में अन्ना जी के आंदोलन में रहा हूं और वहां से आया हूं यहां पर। कल से यहां पर आंदोलन में शामिल हुआ हूं और आज सातवां दिन है आंदोलन का। आज हम लोगों ने मिल करके अन्ना, चूँकि वहाँ अन्ना जी का वजन आमरण अनशन की वजह से, भूख हड़ताल की वजह से 5 किलो से भी ज़्यादा घट गया है और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ की अन्ना समर्थक जो टीम हमारी समिति है, इसने निश्चय किया कि यहाँ नक्को बाबा शाह की मजार पर हम लोगों ने चादर चढ़ाई है। गुरुवार को जैन मंदिर आर्य नगर संयोजक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सोसाइटी पुष्पदंत जैन के नेतृत्व में श्री श्री भगवान महावीर के 1008वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चांदी की पालकी में बैठे भगवान महावीर को पुष्पों से सजे रथ पर बैठाया गया। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा को भगवान महावीर के भक्तों ने जियो और जीने दो के संदेश के साथ शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। भगवान महावीर की शोभा यात्रा में महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित भगवान महावीर के अनुयायी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया,
आज भगवान महावीर की जयंती पर हर साल की भांति इस बार भी जैन समाज द्वारा जैन धर्म के प्रचार के लिए सप्ताह की निकाली जाती है। इससे दुनिया को शांति का संदेश मिलेगा, समाज में सौहार्द उत्पादा बनेगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। ये राष्ट्र के कल्याण के लिए यहाँ के जन धर्म को सभी समाज के लोग मिलकर इस जुलूस को निकालते हैं। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। दस्तक के अंतर्गत हुई मीडिया की कार्यशाला, मंडलायुक्त अनिल कुमार ने नौकी बीमारी के लक्षण और बचाव पर दिया व्याख्यान। सामूहिक विवाह में 100 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न, बने एक दूजे के जीवन साथी, प्रभारी मंत्री ने दिया आशीर्वाद। खरमास माह में प्रदेश सरकार का सामूहिक विवाह का आयोजन है पाप, कहा सपा के जिलाध्यक्ष ने। मुख्य सचिव के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, दवाओं की उपलब्धता का सही रिपोर्ट नहीं देने पर सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का मनमाना रवैया, लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन से कराया लीग का फाइनल मैच, जीसीए पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वाधान में एक दिन खूबसूरत जिंदगी के नाम विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा दर्शना सिंह 30 मार्च को आएंगी गोरखपुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मला द्विवेदी ने दी जानकारी। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने निजीकरण के विरोध में किया जनसंपर्क। अमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे का स्वास्थ्य बिगड़ने पर नक्को बाबा की मजार पर अन्ना हजारे की सलामती के लिए समर्थकों ने की चादर पोशी। और जियो और जीने दो के संदेश के साथ निकाली गई भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन तक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।